फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां एक बार फिर से आज मैं अपना बेहद खास प्रोग्राम सेलेब्स लाइफस्टाइल आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, सेलेब लाइफस्टाइल में मैं आप सभी को एक सितारे की लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, उनके आलिशान घर के बारे में बताता हूँ, उनके शौक, उनकी गाड़ियाँ, उनकी कुल संपत्ति के बारे में आप सभी को मैं बताता हूँ। आज आप सभी जानने वाले हैं शिल्पा शेट्टी के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहती हैं। जहाँ एक तरफ शिल्पा शेट्टी अब फिल्मों में कम ही नज़र आती हैं, तो वहीं कैसे चलता है उनका घर और कैसे वो गुजारा करती हैं, आज हमारे इस खास प्रोग्राम सेलेब्स लाइफस्टाइल में आप जानने वाले हैं। साथ ही आप जानेंगे कि आखिर क्या क्या शौक रखती हैं और इनका कैसा आलीशान घर है और कौन कौन सी गाड़ियां हैं। डालिए नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए क्या है शिल्पा शेट्टी की लाइफस्टाइल। जी हाँ, आज के अपने इस बेहद खास प्रोग्राम लाइफस्टाइल के जरिए, जहां हम आपको तमाम सितारों की लाइफस्टाइल से रूबरू कराते हैं, तो वहीं आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं एक और फेमस कलाकार सितारे की लाइफस्टाइल के बारे में, और ये कोई और नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी ही हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे उनके पति राज कुंद्रा उन पर प्यार लुटाते हैं, और जिस तरीका से वो प्यार लुटाते हैं, ये सच में ही लोगों को ये बोलने पर मजबूर कर देता है कि शिल्पा के प्यार में पागल हो चुके हैं राज। जी हाँ, लोगों ने कई बार ऐसा बोला है, लेकिन बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो कि वाइफ को महंगे महंगे गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक हैं शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा भी। आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि कैसे राज कुंद्रा जो हैं अपनी वाइफ के प्रति अपनी मोहब्बत को जताते हुए उन्हें महंगे गिफ्ट देते हैं। आपको हमारे इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा कि कैसे राज ने शिल्पा को महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो कि वाइफ को महंगे गिफ्ट देते हैं, इन्हीं में से एक राज हैं। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि शिल्पा को मुंबई के एक सी फेसिंग विला भी उन्होंने गिफ्ट किया है, जिस विला का नाम किनारा है। शिल्पा फैमिली के साथ यहीं पर रहती हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि राज ने 2012 में नोएडा की सुपरनोवा बिल्डिंग में एक 3000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट लिया था, जिसे उन्होंने अपनी ही वाइफ शिल्पा शेट्टी को गिफ्ट किया। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग 80 मंजिला है। शिल्पा को राज ने लंदन के वेयर रिज सरे में एक आलिशान बंगला भी गिफ्ट किया है। इस बंगले का नाम राजमहल है। जी हाँ, यही नहीं, आपको हम आगे अपनी रिपोर्ट में वो भी बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल राज कुंद्रा अपनी पत्नी शिल्पा को लग्जूरियस लाइफ देने में कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और ना ही वो कभी भी अपनी पत्नी को गिफ्ट देने से पहले ये सोचते हैं कि आखिर इसकी कीमत क्या होगी। जी हाँ, इसके लिए उन्होंने अपनी बीवी को कई सारे महंगे महंगे और बेशकीमती तोहफे दिए हैं। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट आपके लिए ही है, जहाँ ये महंगे महंगे तोहफों की शुरुआत होती है। राज ने जहाँ अपनी पत्नी शिल्पा को दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची इमारत, जी हाँ, बुर्ज खलीफा के 19वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया हुआ है। जी हाँ, हालांकि शिल्पा ने ये बताया था कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बेच चुकी हैं। सोचिए ज़रा, जिस बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दूर दूर से, ना जाने दुनिया भर से कितने सारे लोग पहुंचते हैं, उसी बुर्ज खलीफा में शिल्पा शेट्टी को एक बार वो 19वें ही फ्लोर पर एक ऐसा अपार्टमेंट गिफ्ट कर चुके हैं जिसकी कल्पना आप सभी शायद सपने में भी ना कर सकें। आपको बता दें कि दुबई एक ऐसी सिटी है जिसमें हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, और साथ ही बदलाव होंगे तो उनकी कीमतें भी ज़्यादा होंगी, और इसी नतीजे से देखा जाए तो बुर्ज खलीफा अपने आप में कितना ज़्यादा बेशकीमती है, इस बात का उदाहरण देना शायद सही नहीं होगा। साथ ही खबरों की मानी जाए तो, अगर रिपोर्ट्स की गौर की जाए तो, शादी के मौके पर ही राज ने उन्हें 50 लाख रुपये का एक वेडिंग लहंगा और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए की 20 कैरेट की एक हीरे की अंगूठी भी तोहफे पर दी थी।
जी हाँ, काफी महंगी अंगूठी और साथ ही राज का ये प्यार जताने का तरीका सच में ही सबसे अलग है, जिस तरीके से राज पत्नी पर प्यार लुटाते हैं। जी हाँ, जहाँ आपने जान ही लिया कि कैसे बुर्ज खलीफा में भी राज ने अपनी पत्नी को 19वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, हालांकि शिल्पा उस प्रॉपर्टी को बेच चुकी हैं, ऐसी खबरें रही थी, तो वहीं प्यार लुटाने का तरीका राज का जहाँ निराला है, तो वहीं शिल्पा शेट्टी की ये भी चाहत थी कि उनके पास एक सी फेसिंग बंगला हो, इसीलिए राज ने उन्हें मुंबई में ही किनारा नाम का एक बंगला भी गिफ्ट कर दिया। जी हाँ, राज ने इससे पहले साल 2012 में शिल्पा के लिए नोएडा की 80 मंजिला बिल्डिंग सुपरनोवा में भी एक 3000 वर्ग फीट का अपार्टमेंट खरीदा था। आपको जानकारी देते चलें कि इसके अलावा राज ने इंग्लैंड में शिल्पा के लिए 7 कमरों का एक आलीशान बंगला खरीदा। तो वहीं इंग्लैंड के शिल्पा के इस आलीशान बंगले को लोग भूल नहीं पाते। इस बंगले का नाम राजमहल है और आपको जानकारी ये भी देते चलें कि इंग्लैंड के ही शहर लंदन में उन्होंने शिल्पा को एक 7 करोड़ का बंगला भी गिफ्ट किया हुआ है। जी हाँ, इसी लिस्ट में अब आगे बढ़ें तो राज खुद भी महंगी कारों के शौकीन हैं और उन्होंने शिल्पा को कई सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट की हुई हैं। राज ने शिल्पा को लैम्बोर्गिनी कार का एडिशन गिफ्ट किया था, जो भारत में लॉन्च भी नहीं हुआ था उस टाइम, जिस टाइम राज ने उन्हें ये गिफ्ट किया था। जानकारी देते हैं आप सभी को कि ये खबर कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी, तो वहीं राज जिस तरीके से अपनी पत्नी के हर शौक को पूरा करते हैं, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि टॉप बिजनेसमैन में शिल्पा के पति राज कुंद्रा का नाम भी आता है। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि जहां इस प्यार को कई लोग तो सराहते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो कि राज और शिल्पा के बारे में कई तरह की बातें करते हैं। शिल्पा और राज को कई बार इसको लेकर ट्रॉल भी होना पड़ा है, जहां लोगों ने ये तक कह दिया था कि शिल्पा ने राज से पैसों के लिए ही शादी की। दरअसल शिल्पा राज की दूसरी पत्नी है। जी हाँ, राज पहले शादीशुदा थे, डाइवोर्स के बाद उन्होंने शिल्पा से शादी की। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कई लोगों का ये कहना है कि शिल्पा ने पैसों के लिए शादी की थी, हालांकि शिल्पा ने तमाम बातें इग्नोर की और अपनी ज़िंदगी में वो काफ़ी खुश रह रही हैं। जहां उनकी लाइफस्टाइल के बारे में तो आप सभी ने जान ही लिया, तो वहीं आप ये भी जानते ही होंगे कि शिल्पा बॉलीवुड का एक जाना माना नाम रह चुकी हैं, जहां उनकी फिल्मों से लेकर उनके स्टाइल को आज तक भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि शिल्पा का एक प्यारा सा बेटा भी है, जिस बेटे का काफ़ी ध्यान रखती हैं शिल्पा शेट्टी, और साथ ही साथ शिल्पा हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिशें करती हैं अपने बेटे की। जानकारी देते हैं आप सभी को कि जहां शिल्पा शेट्टी इतनी आलीशान ज़िंदगी जीती हैं, तो वहीं आज भी शिल्पा शेट्टी भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हों, लेकिन उनका इनकम सोर्स आज भी बरकरार है। दरअसल शिल्पा शेट्टी फिल्मी पर्दे से भले ही दूर हों, लेकिन वो आज भी कई रियलिटी शोज़ का हिस्सा है, जहां अच्छी खासी मोटी रकम लेती हैं वो रियलिटी शोज़ की। जानकारी देते हैं आप सभी को कि करोड़ों में शोज़ के वो पैसे लेती हैं जहां, तो वहीं शिल्पा शेट्टी आज भी काफ़ी पैसे कमाती हैं और बॉलीवुड गलियारों में इसकी चर्चाएं अक्सर ही होती रही हैं। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि कैसे शिल्पा शेट्टी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी खबरों में रहती हैं। शिल्पा शेट्टी का घर हमेशा ही गॉसिप्स का कारण बना होता है। जहां इतना खूबसूरत घर है उनका, तो वहीं अक्सर ही उनके घर के इंटीरियर की फोटोज वायरल होती रहती हैं। इसके अलावा आप सभी ने ये भी जाना कि शिल्पा शेट्टी गाड़ियां और साथ ही कैसे शौक रखती हैं। आपने जाना कि कैसे फिल्मी पर्दे से वो भले ही दूर हों, लेकिन स्टेज शो से या फिर बात कर लीजिए उनके जज से। जी हाँ, जहाँ वो डांस रियलिटी शो की जज हैं, तो वहीं वहाँ से भी शिल्पा शेट्टी की अर्निंग है। इसके अलावा उनकी क्या इनकम है, क्या नेटवर्थ है, और साथ ही शिल्पा शेट्टी कैसी लाइफस्टाइल जीती हैं, आज अपने इस बेहद खास प्रोग्राम में जाना। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का खास प्रोग्राम सेलेब्स लाइफस्टाइल, जहाँ आपने आज शिल्पा की लाइफस्टाइल के बारे में जाना। ऐसे ही सितारों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं कि आप किस सितारे की लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।